हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब एंड मोटिवेशन इनसाइड। तो दोस्तों, आज की कहानी है द होप। इस कहानी में ऐसा होता है कि एक 1950 के दशक में हार्वर्ड में एक क्या साइंटिस्ट है, कर्ट रिचर। उन्होंने चूहों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्हीं में से एक उन्होंने अजीबोगरीब शोध किया। कर्ट ने क्या किया कि एक जार में पानी भरा, फिर उसमें एक जिंदा चूहे को डाल दिया। पानी में गिरते ही चूहा हड़बड़ाने लगा और जार से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास करने लगा। चंद मिनट फड़फड़ाने के बाद चूहे ने बाहर निकालने का अपना प्रयास छोड़ दिया और अंदर डूबकर मर गया। फिर कर्ट ने अपने रिसर्च में थोड़ा सा चेंज किया। उसने दूसरे चूहे को पुनः उसी पानी से भरे जार में डाला। चूहा जार से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास करने लगा। जिस समय चूहे ने जोर लगाना बंद कर दिया और वह डूबने को था, ठीक उसी समय कर्ण ने उस चूहे को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कर्ण ने चूहे को उसी समय बाहर निकाला जब वह डूबने की कगार पर था। चूहे को बाहर निकाल कर कर्ण ने उसे सहलाया, कुछ समय उसको जार तक दूर रखा, फिर उसे एकदम पुनः उसको उसी जार में डाल दिया। पानी से भरे जार में दोबारा फेंके गए चूहे ने फिर से जार से बाहर निकलने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन पानी में पुनः फेंकने के पश्चात चूहे में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिसको देख स्वयं कर्ट भी बहुत हैरान रह गए। कर्ट सोच रहे थे कि चूहा बहुत मुश्किल 15-20 मिनट तक संघर्ष करेगा, फिर उसकी सारी क्षमता जवाब दे जाएगी और अंत में वह उसमें डूबकर मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा और अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, वह भी लगभग लगातार 60 घंटे तक। जी हाँ, 60 घंटे तक चूहा अपने पानी से भरे जार में जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। यह देखकर कर्ट भी आश्चर्यचकित रह गए। जो चूहा 15 मिनट में परिस्थितियों के समक्ष हथियार डाल चुका था, वही चूहा 60 घंटों तक कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट ने इसने अपनी शोध का नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। होप यानी कि आशा। कर्ट ने अपने शोध का निष्कर्ष बताते हुए कहा कि जब चूहे को पहली बार जार में फेंका गया था तो वह डूबने की कगार पर पहुंच गया, ठीक उसी समय उसे मौत से बाहर निकाल लिया गया, उसे नवजीवन प्रदान किया गया। उस समय चूहे के मन में मस्तिष्क में आशा का संचार हो गया। उसको लगा कि उसके जीवन में होप है, या उसे महसूस हुआ कि उसे एक उसके पास एक हाथ है जो विकटतम परिस्थितियों में उसे निकाल सकता है, या उसे ये हमेशा आशा बंद की कि कोई नहीं तो उसे बचा लेगा। जब उसने उसे पुनः जार में फेंका तो चूहा इसी आशा के बल पर 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। वजह वह हाथ था, यही वह उसकी आशा थी, और वजह थी वह उम्मीद कि कोई ना कोई उसे आके बचा लेगा। इसलिए हमेशा जीवन में उम्मीद बनाए रखिए, संघर्षरत रहिए, सांसों को टूटने मत दीजिए और मन को हारने मत दीजिए। जीवन में हमेशा होप बनाए रखे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखे और संघर्ष करते रहे। संघर्ष के सामने कभी भी हथियार नहीं डाल ले। जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, हमेशा हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी द होप एक्सपेरिमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड कोई और भी आप कहानी अगर सुनना चाहें तो प्लीज़ वेलकम।